ये पार्ट टू पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप लोग जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, पार्ट टू या पार्ट वन जो भी देने वाले हैं, वो लोग सभी लोग देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो जाए। इसमें जितने भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब देख लेंगे, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, और कितने टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कितना का आंसर देना है, वो सब भी देख लेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल से, बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा, सभी डाउट्स आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और फिर बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट का एक एक करके वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिससे कि आप सभी को एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा फायदा हो, जिससे कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा पाएँ। तो जो भी नए कैंडिडेट होंगे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे जाके आपको बहुत फायदा होने वाली है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस पेपर टू है, यानी कि पार्ट टू वाले के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा फायदातर होगा, और पार्ट वन में जो लोग हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं पार्ट टू वाले भी, तो वो सब भी देख लीजिएगा आप। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और टाइम देखिए 3 आवर लगा हुआ है, फुल मार्क्स 20 होता है, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, दो दो मार्क्स का, जो कि 20 मार्क्स हो गया, और 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन रहेंगे आपको 20-20 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना, यानी 80 मार्क्स, 80-20 100 हो गया। और उसके नेक्स्ट में परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि आप बना के क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपने शब्द में, जैसे बना पाते हैं वैसे, और सभी प्रश्नों के मान बराबर है, यानी सभी हर एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। नंबर वन इज कंपलसरी, यानी क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव है और ये आपको आंसर देना ही देना है, यदि आप नहीं देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए नंबर वन क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव का, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सामवाद है, और फिर है यजुर्वेद, और ऋग्वेद, और अथर्ववेद, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दें हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी हैं, तो इसका गांधी जी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये 1905 में चुने गए थे, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, जो कि बिहार के ही थे, जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सब लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ईजी होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव सारा सारा लगभग लगभग आप लोग को आ जा रहा होगा। नेक्स्ट है किस भारतीय चिंतक को भारत का मैकियावेली कहा गया, तो कौटिल्य को, कौटिल्य जो चाणक्य थे, ये भारत को मैकियावेली इनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये 1917 से शुरू किया था। नेक्स्ट जो ईयर का क्वेश्चन आने वाला अभी, ये हो सकता है कि कहाँ से शुरू किया था, ये भी आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण बिहार से ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ही ने किया था, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं ऑब्जेक्टिव का, ये सभी कंपलसरी है, 2-2 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स का, ये सभी का आंसर देना जरूरी है। यदि 10 ऑब्जेक्टिव आप किसी तरह भी सही कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स तो ऐसे ही आ गया, और 45 मार्क्स लाने से आप पास हो जाएंगे, इसलिए 20 मार्क्स यहीं से उठा लीजिएगा। फिर यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव लिखना है, सब्जेक्टिव में जो भी देखिए इतने भारतीय राजनीतिक दर्शन के स्रोत का वर्णन करें, ये छोटी सी क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन ये 20 मार्क्स का, यानी इसमें कम से आपको 4 से 5 पेज प्लस लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दर्शन के स्रोत का वर्णन करें, तो इसका अच्छे से आपको वर्णन करना होगा, जैसे कि पहले इसका अच्छे प्रभाव क्या है, जैसे भारतीय राजनीतिक दर्शन के अच्छे प्रभाव के बारे में पहले लिखिएगा, फिर अच्छे प्रभाव लिखिएगा, फिर इसके बुरे प्रभाव लिखिएगा, फिर परिणाम लिखिएगा, और इस तरह से यदि कॉपी लिखे होंगे तो टीचर्स खुश हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का मूल्यांकन करें, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का मूल्यांकन करना होगा। इससे नेक्स्ट है 4 नंबर दयानंद सरस्वती के राजनीतिक दर्शन की विवेचना करें, तो यहाँ भी विवेचना कर सकते हैं। यदि आपको 100% सही नहीं भी आ रहा होगा फिर भी आप बना बना के लिखिएगा, कॉपी खाली नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बीजी तिलक के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक दर्शन की विवेचना करें,
नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन है कि श्री अरविंद के विश्व एकता और विश्व सरकार के विचारों को विवेचना करें, यानी श्री अरविंद के जो विश्व एकता और विश्व सरकार का जो कथन था उस पर विवेचना करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि क्या विवेकानंद को एक समाजवादी चिंतक कहा जाना चाहिए, व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन की विवेचना कीजिए, तो महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन का विवेचना करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MN राय के आर्थिक विचारों का वर्णन करिए, यानी कि पॉलिटी में यही सारे जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यही सारे आते हैं। तो 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी 9 क्वेश्चन सब्जेक्टिव को आपको दिखा होगा तो इसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 9 क्वेश्चन में किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इस तरह से आप लोग कॉपी अच्छे से सजा के लिखिएगा, राइटिंग बना के, जिससे कि टीचर्स को अच्छे और सहूलियत मिले उन्हें चेक करने में, जिससे कि आपको भी अच्छे मार्क्स मिले, यानी उनको चेक करने में, यानी आपके कॉपी पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत होगी तो फिर आपको मार्क्स में लोग कंजूसी करेंगे। इसलिए इस तरह से अच्छे से कॉपी बना के लिखिएगा ताकि सभी लोग पास हो जाएं। देखिए बाद में प्रमोटेड जो हो जाते हैं, जो पहले अभी ध्यान उतना अच्छे से नहीं देते हैं, बाद में प्रमोट हो जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि कब उनका फॉर्म आएगा, अलग से फॉर्म आता है, अलग से फ़ी लगता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। इस तरह से आप लोग प्रमोट होने की चांसेस मत रखिए, आप लोग एक बार में ही अच्छे से कॉपी बना के लिखिए और फिर पास हो जाइए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आने पर। जय हिंद, जय भारत।